मैच होने वाला है, आप डर जाओगे एट टाइम्स। ये इतना ज्यादा लग जाएगा यहाँ लोगों का, भीड़ लग जाएगा, ये पूरे लोग ना ये भीड़ है हमको देखने आ रहे हैं। वेलकम गेट। मैं भी एक्साइटेड हूँ तेरे वेलकम। तो गाइस और एक चीज की, अगर ये शूट करता रहा कंपनी के अंदर और इफ वो हमारे पॉलिसी के अगर अगेंस्ट है तो इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो ब्लॉग आज है दूसरा दिन ऑफिस का और आज 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। 8:15 के अराउंड हो गया है, बारिश का भी मौसम हो रहा है तो वापस से आज गौरव मुझे मेरे फ्रेंड के पास तक छोड़ रहा है। देन उसके बाद उसके साथ में फिर मैं वहाँ से ऑफिस जाऊँगा। तो ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 8 बजे के निकलने में ज़्यादा 8:10 हो चुका है। अब जल्दी से पहुँचता हूँ मैं उसके पास और फिर जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस जाते हैं, लेट हो गए। कितना लेट हो गया अपन? 9:15 हो गया, 15 मिनट ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। जिस हिसाब से निकले थे हिसाब से तो लेट नहीं हुआ। थोड़ा सा प्ले एरिया में आके कैफेटेरिया एक्चुअली यहाँ ये कॉफी वगैरह मिलता है, थोड़ा स्नैक्स स्नैक्स रखे हुए और हम लोग आके ये मैच होने वाला है, आप डर जाओगे एट टाइम। ये इतना ज्यादा इंटेंस हो सकता है कि यहाँ पे नीचे भीड़ लग जाएगा, यहाँ लोगों का भीड़ लग जाएगा, ये पूरे लोग ना ये भीड़ है हमको देखने आ रहे हैं। तो गाइस काफी डेंजर मैच होने वाला है, सो वेट एंड वॉच। स्टार्ट द मैच, काफी इंटरेस्टिंग। या ओके 3 2 1 कम ऑन। ओह माय गॉड, चुका है 1-0 एंड दिस इज द ऑफिस। पुश करना होता है, पुश करना होता है, पुश। वेलकम गेट। वाओ, मैं भी एक्साइटेड हूं तेरे वेलकम। सेम ही चीज है, नहीं ज्यादा बना रहे हो, मेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए। सेम ही है, समझ गए। गॉड वेलकम गेट, समझ लेके जा रहा है मेरा भाई। यहाँ पे क्या करना था, पुल कर, खींच 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 से ऑफिस है। अब कल ना प्रदीप से पूछ के देखेंगे अंदर शूट कर सकते हैं, अगर अगर कल कल अगर शूट कर सकते होंगे तो अंदर पूरा ऑफिस दिखाऊंगा, घूम घूम के ऑफिस दिखाऊंगा। ये मीटिंग है, अब हमारे कान बंद होने वाले हैं यहाँ पे। और गाइस और एक चीज की, अगर ये शूट करता रहा कंपनी के अंदर और इफ वो हमारे पॉलिसी के अगर अगेंस्ट है तो इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल सो दैट ही कैन गेट मनी फ्रॉम योर व्यूज आई गेस। सो प्लीज सब्सक्राइब करो। नौकरी नहीं जाना चाहिए, इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे यूट्यूब पे। यू नेवर नो ब्रो, कल को तेरे 1 मिलियन हो जाए, सिल्वर बटन आएगा, डायमंड बटन आएगा, तेरे मुंह में घी चक्कर। ये हम लोग ना ऑफिस हमारा वेस्टर्न होटल में, बता चुका हूँ यार, वेस्टर्न होटल में है हमारा ऑफिस, यहाँ से क्यों जा रहा हूँ भाई। कार कहीं, कार यहीं पार्क करते हैं कि हमको चलना ना पड़े ज्यादा। गाइस मेरा नेम प्लेट नंबर प्लेट देखा
वो ब्लर कर देना ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो। अरे यार ओपन करना पड़ता है। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, अब घर जाएंगे। छोड़ना है कहीं पे? ये इधर क्या बोलते हैं, ये वडगांव शहर की तरफ। वडगांव शहर कहाँ है ये पता नहीं, मैं कोथरूड साइड जा रहा हूँ। नहीं वो ऑटो वाला आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय 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 बाय। रूम पे आ गया हूँ मैं, गौरव आई थिंक लाइब्रेरी गया हुआ, उसको चेक डाउन वगैरह है तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कल किया है तो अभी आता है, रूम जाएंगे थोड़ा रेस्ट करूँगा यार, बहुत थक गया हूँ मैं अभी फिलहाल में। और ये किट मिली ऑर्डर डेस्क की, तो अब इसको ओपन करके देखेंगे क्या है, क्या क्या मिला होगा देखते हैं। चलो अब किसी को आता है अंदर जाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर देखते हैं कहीं जाने की इच्छा हुई तो फिर निकलते हैं, थोड़ा घूमने निकलते हैं। तो पुणे आए हैं और मिसल पाव नहीं खाए थे, ये तो लगता है तो जा रहे हैं मिसल पाव खाने, और पता नहीं गौरव की अच्छी जगह लेकर जा रहे हैं मिसल पाव खाने, तो अब निकलते हैं यहाँ से। मिसल पाव बारिश भी नहीं हो रही है तो हो रही है, आई थिंक हल्की हो रही है, बट इट्स ओके तो चलता है पूरे, तो जानते हैं मिसल पाव खाते हैं। मिसल पाव जब खाने जाना था वो तो बंद था, तो अब हम एफ सी रोड पे गुडलक कैफे आ गए, मतलब बहुत ही फेमस कैफे है यहाँ का, यहाँ बन मस्का वगैरह मस्त मिलता है। ईरानी चाय भी मिलती क्या? ईरानी चाय बन मस्का मस्त मिलता है गुडलक कैफे में। मिसल पाव कभी और खाएंगे, अभी तो हैं दो चार दिन और यहाँ पे, तो चलो पहले मैं ऑर्डर दे लेते हैं यहाँ पे और फिर बता दूँ क्या क्या खा रहे हैं हम। ये बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे। अभी गुडलक कैफे आ चुके हैं हम लोग, तो अभी हमने एक बन मस्का, एक ईरानी चाय और एक नॉर्मल चाय बुलाई है। पहले हमारा प्लान था कुछ खा लेते हैं यहाँ पे, बट हमने सोचा कहीं और जाके खाएंगे, और तो ईरानी चाय एक इसलिए बुलाई क्योंकि वो ब्लैक टी है, तो कुछ आइडिया नहीं कैसा टेस्ट करेगी, तो वो तो पी के देखना पड़ेगा क्या है, इसको भी नहीं पता ही कि ईरानी चाय कैसी लगती है। मैंने सादी चाय भी है, बन मस्का चाय एक नंबर है, पुणे का सबसे फेमस कैफे है, सबसे पुराना कैफे है, और यहाँ पे लोगों को भीड़ लगती है, अभी तो ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब रश होता है वीकेंड है वगैरह पे यूजली तो एक एक घंटा वेट करना पड़ता है हमारा। वो तो हम लकी हैं, हमको मिले लकी तो हैं भाई, जल्दी से खाते हैं, हालत तो ख़राब हो गई है, कल सुबह फिर 8:30 बजे मीटिंग होगी लगती है, सैड लाइफ। तो गाइस ये ईरानी चाय आ गई है, साथ में नींबू भी दिया हुआ है, शक्कर दी हुई है, अब देखते हैं कैसा पीना है। एंड ये नॉर्मल टी एंड दिस इज बन मस्का, बन मस्का तो बहुत टेस्टी लग रहा है, तो अब देखते हैं।